Assalamualaikum, नमस्ते जी, सौ सरकाल, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और खुश होंगे। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि भारत में यूसीसी की वजह से, सिविल कोड की वजह से काफ़ी ज़्यादा शोर मचा हुआ है और इसके ऊपर लोगों की अलग अलग रिव्यूज़ भी आ रहे हैं सिविल कोड के अकॉर्डिंगली। तो जल्दी से चलते हैं और देख लेते हैं इंडिया में शाहीन बाग के मुस्लिम ऑटो वाले ओवैसी मौलाना और विपाच के सपनों पर पानी फेर दिया, मतलब कि ये वीडियो का टाइटल है। तो देखते हैं कि ऐसा क्या कह दिया उन्होंने और इसके पीछे कितना रियलिटी है। सो यस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, सो आप वहां से ओरिजिनल वीडियो वॉच कर सकते हैं। चैनल पर न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस कीजिए ताकि सारे वीडियोस आपको मिलते रहें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो धर्म गुरु इस तरह के बयान देता है कि हमारे मजहब में चार शादियां हैं, मैं उनको चार जूते अपनी तरफ से फ्री में मारना चाहूंगा, खड़े होकर मारूंगा। जब तुम्हारे को दो बच्चे अगर तुम्हारे हैं, तुम्हें उनकी परवरिश अगर तुम नहीं कर सकते, तो चार शादी करने का कोई मतलब नहीं है। तुम एक बीबी को तो तुम खिला नहीं सकते, तुम चार बीबी को कहां से खिला दोगे? ये यूसीसी जो है ना, ये जब चाहे तब सरकार लगा दे, देश के लोगों को यह पता ही नहीं है। एक दो लोग जो है ना, जो उछलते कूदते हैं, समझ रहे हैं, ये करेंगे वो करेंगे, उछल कूद करके आपस में लड़वा देंगे और जा करके एसी में बैठे रहेंगे। अरे खुद आकर के तुम सड़क पे लड़ो ना। अगर सरकार की नीतियां गलत है, उसका विरोध होना चाहिए, उसका होता रहता है। लेकिन सरकार की नीतियां अगर समान नागरिकता के लिए है, तो सबके लिए एक समान कानून है ना, तो वो कानून सरकार जब चाहे तब लागू कर दे, हम उसका सत्सत स्वागत करते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, समझ रहे हैं। देखिए, एनआरसी हुआ था और मैं जिस एरिया से रहता हूँ वही उसी एरिया में एनआरसी का, हाँ, शाहीनबाग, मैं उसी एरिया में शुरू में ए ब्लॉक सी ब्लॉक में रहता हूँ, शाहीनबाग है डी ब्लॉक और ई ब्लॉक एफ ब्लॉक, मैं उसे, मैं भाई साहब ईमानदारी से अपनी रोजी कसम खा के कहता हूँ कि तीन महीने या चार महीने जो भी चला मुझे नहीं पता, मैं कभी भी नहीं गया, मैं उसके सपोर्ट में नहीं था। भाई देश एक है, कानून एक होने चाहिए। आप एक मिनट, आप हिंदू हैं, मैं मुस्लिम हूँ, अगर मैं किसी का मर्डर करता हूँ या किसी से झगड़ा करता हूँ, धाराएं मेरे पर वही लगती हैं जो आप पे लगती हैं। तो सब चीजें एक होनी चाहिए। इसके इसके लिए जो ना, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, और जो लोग इसका जो है बहिष्कार कर रहे हैं, और जो लोग जैसे ओवैसी या दूसरे धर्म, दूसरे साहब है जो 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 अपने आप को धर्म गुरु साबित करना चाहते हैं, जो है नहीं, अपने अपने राजनीति चमकाने के लिए वो लोग तरह तरह के बयान देते हैं, ताकि हम कैमरे के सामने, ताकि लोगों के सामने हम फेस करते हैं और हम चर्चे में। मुस्लिमों को भड़काने का काम क्यों करते हैं? मोदी जी ने पटना रैली में कहा कि भाई कुछ लोग हैं जो मुस्लिमों को भड़का रहे हैं। जैसे आपने देखा सीएनआरसी आया, तब भी कहा गया कि मुस्लिमों को निकाला जा रहा है, जबकि यूनिफॉर्म सिविल कोड में भी ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैंने आज से कुछ टाइम पहले इसी के ऊपर, जो सीएनआरसी के ऊपर, मैंने एक बयान दिया था यहाँ पे, और लोगों ने मुझे कहा था कि बहुत बढ़िया आपने कहा। मैं ये कहता हूँ, अगर सीएनआरसी अगर हमारे देश में लागू हो रहा है, ठीक है, इसके अंदर अगर प्रावधान है कि भाई कुछ चीजें चेंज हो सकती है, तो मोदी जी को मानना चाहिए जो लोग मांगते हैं। दूसरी चीज यह है कि अगर हमारे देश के अंदर घुसपैठी है, तो उसका शिनाख्त कौन करेगा? सरकार करेगी। सरकार कोई तो नियम लाएगी ना, कोई तरीका तो लाएगी ना, तो उसके लिए सरकार अगर सीए एनआरसी ला रहे थे, उसमें अगर कोई प्रावधान चेंज होके अगर उसको लागू किया जाता, तो मैं उसका समर्थन करता हूँ। आपका शुभ नाम क्या है? इजहार आलम जी, आप जैसे लोग तो सपोर्ट करने को तैयार है, लेकिन आपने बात कही वही आपके धर्म गुरु, एक मौलाना मदनी है वो कह रहे कि हम विरोध करेंगे, एक शफीकुर रहमान है वो कह रहे कि हम सड़कों पे उतर जाएंगे। क्या विरोध करना सही है, जबकि मोदी जी कह रहे हैं कि भाई अगर किसी की समझ में नहीं आ रहा तो हम उसको समझाएंगे जाकर के, यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या? भैया एक बार बताओ, हिंदुस्तान के अंदर आज के डेट में मेरे ख्याल से 90 अगर नहीं कहूँगा 80% लोग एजुकेटेड है, और उनको मेरे ख्याल से जानकारी है, अगर वो कोई अनपढ़ भी है ना, एक दूसरे से उनको जानकारी मिल जाती है कि भाई ये क्या है, इसका क्या मतलब है। अगर मैं गाड़ी चला रहा हूँ, अगर मुझे कोई रास्ता पता नहीं है, तो मैं रास्ता पूछूंगा किसी से और मुझे बताते हैं वो। तो अगर आदमी अपनी मानसिकता लेके चले कि मेरे साथ ये हो रहा, सरकार मेरे साथ ये कर रही है, तो वो चीज गलत है। उसके लिए आदमी को पूछना चाहिए, जो उसके जानकार है, जो साहित्यकार है, उनसे पूछे कि भाई इसका क्या मतलब है, क्या चीज है। जब मैं जानता हूँ, कुछ लोगों के पास गए, उन्होंने विरोध किया, मुस्लिम ही थे, उन्होंने कहा कि भाई हम संविधान से ऊपर कुरान को मानेंगे, ये जो कानून है हम अपने ऊपर इसको थोपने नहीं देंगे। देखिए, कुरान, गीता, बाइबल, बिल्कुल ये एक चीज अपनी जगह है। अगर आपको, अगर कुरान ये कहता है कि आप कुरान के हिसाब से
चलो तो आप उसके हिसाब से चलो। अगर आपको गीता कह रही है कि आप इस हिसाब से चलो, मुझे मेरा धर्मगुरु ये कहेगा कि मैं इस हिसाब से चलूंगा, कुरान कह रहे हैं तो मैं उस हिसाब से चलूंगा। अगर मेरा जहां देश की बात आती है, संविधान मेरे लिए पहले है, संविधान सर्वोपरि है, संविधान से ऊपर कोई नहीं है, क्योंकि संविधान है तो सब कुछ है। संविधान के अगर अगेंस्ट कोई जाता है तो वो देशद्रोही मैं मानता हूँ उसको। बहुत बढ़िया, संविधान से ऊंचा कुछ नहीं है। अगर बाबा साहब अंबेडकर साहब ने संविधान लिखी है तो उसके अंदर बहुत से ऐसे तत्व हैं। वही लिख के गए हैं, वही कह के गए थे कि भाई देश को यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत है, लेकिन जब सही समय आ जाए इसको लागू कर दिया। हम देखे, हम एक चीज है, हम लोग बात करते थे कुछ टाइम पहले, अभी तो मैं कह नहीं सकता कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। अब कुछ मुस्लिम ले लो, कुछ हिंदू ले लो, कुछ सिख ले लो, कुछ ईसाई ले लो, उनकी मानसिकता है कुछ, मैं सबको नहीं कहूंगा माफ करना, कुछ कुछ की मानसिकता ऐसी है कि वो अपने आप को बदलना नहीं चाहते, वो अपने अपने जो पुराने जो ढकेन उसी जो चाल है उसी चाल से चलना चाहते हैं, बस यही चीज है, इसी चीज की कमी है। आलम साहब क्या लग रहा है, क्या 19 के बाद भाईचारा खराब हुआ जैसे कि आरोप लगातार लग रहे हैं कि पहले सब बड़े प्यार से रहते थे, वो माहौल नहीं रहा? देखिए सरकारों के अंदर इसके अंदर कमी है, मैं लोगों को नहीं कहूंगा। अब ऐसा है, मैं अगर किसी धर्म के बारे में कह रहा हूँ, पहले उस धर्म को जान तो लो यार। अगर मैं हिंदू को बुरा कहूंगा, मैं क्यों कहूँ यार, मैं उसको अगर अच्छा नहीं कह सकता तो बुरा कहने का भी अधिकार नहीं है। मैं उस धर्म को पूछ तो लूं पहले, मेरे साथ कितने भाई लोग हैं यहाँ पे हिंदू हैं, बहुत अच्छे से रहते हैं, बहुत अच्छे से प्यार करते हैं मुझसे। मैं अकेला मुसलमान हूँ यहाँ पे, लेकिन मेरे को कोई आपत्ति नहीं, बहुत प्यार करते, मैं उनको जानता हूँ, वो मुझे बताते हैं कि हमारा धर्म क्या कहता है, हम किस तरह है भाई। पूछ, जानकारी लेने से आदमी की नॉलेज बढ़ती है, तो मुझे तो नहीं लगता कोई हिंदू ऐसा है। हाँ कुछ परसेंट मुस्लिम भी है, कुछ परसेंट हिंदू है, अगर इस तरह के लोग हैं वो जादी मानसिकता की हर धर्म में, तो मैं उनको ये कहूंगा वो सबसे बड़ा आतंकवादी है जो देश के एकता और अखंडता को वो मिटाने में लगे पड़े। बाकी आप सपोर्ट करते हैं अगर कानून आता है? मैं बिल्कुल सपोर्ट करूंगा, एक देश एक कानून। क्या 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 मुझे ये बताइए, सऊदी अरब के अंदर कानून है, अगर किसी का कोई मर्डर करता है, मर्डर के बदले उसको भी फांसी दी जाती है और चौराहे पे दी जाती है, एक हफ्ते के अंदर दी जाती है। क्यों भाई, वहाँ हिंदू भी है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई, हर धर्म के लोग हैं। जो गलत करेगा उसके साथ गलत होना चाहिए, ऐसे ही हमारे देश का कानून भी होना चाहिए। लेकिन विपक्षी लोग हैं इसका विरोध कर रहे हैं, वो कह रहे हैं केवल वोट बैंक के लिए, और हाँ चुनाव का सीजन है, एक लॉलीपॉप है, एक नया मुद्दा लेकर के आ जाना है लोगों को। ये यूसीसी जो है ना, ये जब चाहे तब सरकार लगा दे, देश के लोगों को आपत्ति नहीं है। ये दो लोग जो है ना, जो उछलते कूदते हैं, समझ रहे, ये करेंगे वो करेंगे, उछल कूद करके आपस में लड़वा देंगे और जा करके एसी में बैठे रहेंगे। अरे खुद आकर के तुम सड़क पे लड़ो ना। आप तो कह रहे हैं आपत्ति नहीं, आपने किसान आंदोलन देखा, सीएनआरसी आंदोलन देखा, सड़कों पे लोगों को आना पड़ा। देखो जो गलत है, अगर सरकार की नीतियां गलत है उसका विरोध होना चाहिए, उसका होता रहता है, लेकिन सरकार की नीतियां अगर समान नागरिकता के लिए है तो सबके लिए एक समान कानून है ना, तो वो कानून सरकार जब चाहे तब लागू कर दे, हम उसका सत्सत स्वागत करते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, समझ रहे। देखिए एनआरसी हुआ था, और मैं जिस एरिया से रहता हूँ वही उसी एरिया में एनआरसी का, हाँ शाहीन बाग, मैं उसी एरिया में शुरू में ए ब्लॉक सी ब्लॉक में रहता हूँ, शाहीन बाग है डी ब्लॉक और ई ब्लॉक एफ ब्लॉक, मैं उसे, मैं भाई साहब ईमानदारी से अपनी रोजी की कसम खा के कहता हूँ कि 3 महीने या 4 महीने जो भी चला मुझे नहीं पता, मैं कभी भी नहीं गया, मैं उसके सपोर्ट में नहीं था। अगर कुछ अगर सरकार कर रही है कोई चीज, मैंने क्या कहा था उस टाइम भी, यही कहा था मैंने, कहा अगर उसके अंदर कुछ चेंज हो सकता है, जो लोगों को आपत्ति है वो बैठ के सारी दलों से पूछ के, और जो धर्म गुरु है हर जाति के उनको पूछ के, भाई क्या कमी है उसके अंदर, क्यों इसके अंदर आपत्ति हो रही है, उस चीज को चेंज अगर हो सकता है तो सरकार को चेंज करना चाहिए। मैं एक बार बताऊं, एक कहावत है बड़े बूढ़ों की, राम राम जपना पराया माल अपना, उंगली चलाते रहते हैं और पैसे आते रहते, जितनी उंगलियां चलाएंगे वो उतने पैसे आते हैं, चाहे किसी भी धर्म का हो, चाहे मंदिर में बैठा हुआ पुजारी हो, मस्जिद में बैठा हुआ मौलवी हो, या गुरुद्वारे में बैठा हुआ कोई करंती हो, वो सिर्फ उनका एक ही नारा है, राम राम जपना पराया माल अपना, बस। बिल्कुल सही। चलिए चाचा क्या लग रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर लगातार बवाल मचा हुआ, क्या लगता है, आना चाहिए नहीं आना चाहिए? बिल्कुल 100% आना चाहिए। क्या फायदा होगा? अरे ये जो जो लुच्चे लफंगे जो बात करते हैं ना, उनकी वो बोलती बंद हो जाएगी। क्या बात करते हैं? अब तुमने हंसा था पहले दिया, आप सारा था जो रिकॉर्ड में निकल गया, दोबारा बताइए। देखिए जैसे मुसलमान है ना, कि भाई हमारे बच्चे जो है वो पहन के जामे, क्या नाम है, बुर्का, तो अगर स्कूल में है तो उसमें एक ही ड्रेस में जाएगा, ये बुर्का उर्का नहीं, वो सही जो ड्रेस कोड चल रहा है वो सही चल रही है गवर्नमेंट,
उसमें किसी का भेदभाव का या किसी का वो नहीं है। लागू हो पाएगा? कुछ लोग कह रहे हैं लॉलीपॉप है, क्या लागू कर पाए? सीए लागू नहीं कर पाए, किसान आंदोलन वापस लेना पड़ा, फिर आपको लगता है यूसीसी लागू हो पाएगा? हो जाएगा, चार साल में तो हुआ नहीं, जब चुनाव आया तभी याद आई यूसीसी। अरे चार साल में कैसे नहीं, वो शुरू से ही है। देखिए एक और बताऊं, अगर मोदी और अमित शाह जिस दिन ठान लेंगे उस दिन सारे को लागू कर देंगे। धारा 370 को उस दिन उसने मोदी को भी नहीं बताया, कह रहे भाई जितने भी है यूपी बिहार इधर के सारे उसको कश्मीर को खाली करो, है जी अटैक होने वाला पाकिस्तान का, और रात को कर दिया डिक्लेयर 370 धारा खत्म, 35 ए खत्म। और वो मुक्ति मोहम्मद जो आतंकवादी की माँ वो कह रही है कि अमित शाह इस पर बारूद के ढेर पे ना बैठा है, इसने तो वो हो जाएगा, कुछ भी ना हुआ, और रो रही है अब भी। क्या लगता है एक देश एक कानून आना चाहिए? आपको नहीं पता है? फ्रेंड्स ये भी वीडियो एंड होता है, कहते हैं हमें तो नहीं पता, तो भाई वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, अंकल जी ने कमाल कर दिया नो डाउट। अंकल जी के अल्फाज बहुत अच्छे हैं कि अगर जो है वो भारत के जो लोग हैं उनको एक्सेप्ट करना चाहिए, अगर मोदी जी ने सिविल कोड जो है वो लागू कर रहे हैं तो ये उनके लिए अच्छा है, अगर वो जनता के लिए कर रहे हैं, पब्लिक के लिए कर रहे हैं, उनके हक के लिए कर रहे हैं तो इसमें फिर उनको एक्सेप्ट करना चाहिए लोगों को। और मोदी जी अगर आवाम चाहती है कि चलो एक्सेप्ट करने के साथ भी उसमें थोड़ा सा ऊंच नीच हो तो उसमें भी मोदी जी को भी कर लेना चाहिए कॉम्प्रोमाइज़। तो भाई देखो सिंपल सी बात है कि पब्लिक जो है इस वक्त मुस्लिम्स जो हैं उनमें इस वक्त हलचल मची हुई है, क्योंकि जाहिर सी बात है उनकी चार चार शादियां जो है ना उसमें रुकावट बनने जा रही है अब इंडियन गवर्नमेंट, तो जिसकी वजह से अब समझो कि आपने उनकी दुम पर पांव रख दिया है तो अब वो तो उछलेंगे। तो कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि अभी मोदी जी ने जो स्टेप लिया है इंडियन मुस्लिम वुमेन के लिए स्पेशली ये उनके राइट के लिए है, और जाहिर सी बात है जो अंग्रेज हैं वो तो अपने टाइम पर उनको जो बेहतर लगा उन्होंने वो रूल्स बना दिए, लेकिन मुस्लिम्स के लिए उस टाइम पर अगर यही सेम रूल्स बनाए होते जो हिंदुओं के लिए हैं तो आई थिंक के काफ़ी चीज़ें सही हो सकती थी। बट क्योंकि ये बात भी सच है कि ये आप देखें कि लोगों को ये तो पता है कि शादियां हम चार कर सकते हैं जायज़ हैं, पर उन शादियों के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं वो किसी को नहीं पता, उनको बस काम की बात पता है। अगर सपोज दैट कि हमारे यहाँ पर शादी एक हो जाती है मर्द की तो वो दूसरी के बारे में सोचना शुरू हो जाता है कि यार अब दूसरी भी शादी कर लेता हूँ, मतलब वो मजाक में लोगों के कानों में ये बात डालना शुरू हो जाता है, और ये आंखों देखी बातें भी हैं। तो भाई जब उनसे कहा जाए कि आप अपनी वाइफ के साथ खुश नहीं है तो वो आगे से ये कहते हैं कि नहीं हमारी वाइफ तो बहुत अच्छी है, ऐसी वाइफ तो ढूंढने से भी नहीं मिलती, अल्लाह ताला का शुक्र है कि मुझे इतनी प्यारी और इतनी अच्छी वाइफ मिली है, इतनी केयरिंग मिली है। तो भाई जब आपको इतनी अच्छी और केयरिंग वाइफ मिली है तो फिर व्हाई यू आर गोइंग टू डू सेकंड मैरिज, जब आपकी ऑलरेडी एक वाइफ अच्छी है, खूबसूरत है, इनोसेंट है, आपकी बेबी है, उससे आपको तो ज़रूरत ही नहीं है, जब हर चीज़ उनसे रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है आपकी। आपको हाँ अगर आपको सपोज है कि बच्चे का प्रॉब्लम है या फिर आपकी वाइफ एबनॉर्मल है या फिर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है तो ठीक है आपको फिर शादी करना बनता है। आप फिर मैंने उनसे कहा कि भाई आप क्यों फिर कर रहे हो, तो उन्होंने कहा क्योंकि इस्लाम में जायज़ है और मैं करना चाहता, मेरी ख्वाहिश है। भाई किस चीज़ की ख्वाहिश है, वाइफ तो वाइफ होती है ना, कोई उसमें हीरे मोती चांदी तो नहीं लगे हुए ना सेकंड वाली में। तो कहने का मतलब ये है कि लोगों की ना माइंडसेट हो गया है, वो डिसएडवांटेज जो है ना ये एडवांटेज उठा रहे हैं, और वुमेन्स के लिए ये डिसएडवांटेज है कि वो बेचारियां जो हैं अच्छी होकर 100% करके भी वो जीरो पे बैठी हैं, उनको वो वैल्यू नहीं मिल रही। तो अच्छे लोग भी हैं जो अपनी वाइफ के बारे में अच्छा सोचते हैं, लेकिन बुरे लोग भी हैं, कुछ लोग बस सोच से ही फारिग हैं, तो उनके लिए हम कुछ कह नहीं सकते।
लेकिन मैं यही कहूंगी कि देखो यार, ओवरऑल अच्छा लगा कि इंडिया के कुछ मुस्लिम ऐसे भी हैं कि वो लोग मोदी जी और योगी जी से एग्री कर रहे हैं और इस रूल्स को फॉलो कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि इस तरह का रूल आ जाए। तो फ्रेंड्स, आप लोग इसके ऊपर क्या कहते हैं, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव एंड